रेलवे पुलिस अजमेर की टास्क बल टीम ने शुक्रवार को भुज बरेली एक्सप्रेस रेलगाड़ी के एक कोच से एक शराब तस्करी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस चेकिंग टीम ने रेलगाड़ी के कोच संख्या 14311 में शराब तस्करी कर रहे बिलियावास थाना भीम जिला राजसमंद निवासी 34 वर्षीय बहादुर सिंह पुत्र मोहन सिंह रावत को विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब की 48 बोतलें भी जब्त की है। टीम ने उक्त व्यक्ति को शराब की बोतलों के साथ ब्यावर पोस्ट पर लाकर सुपुर्द किया, जिस पर सहायक उप निरीक्षक रणवीर सिंह द्वारा दोबारा चेक किया, जिसमे अलग अलग ब्रांड की 48 बोतलें पाई गयी। जब्त की गयी शराब की बाजार कीमत 72,870 रूपए बताई गयी है। सहायक उप निरीक्षक रणवीर सिंह द्वारा आबकारी विभाग को सूचित किया, जहां से हेड कांस्टेबल गिरधारी सिंह स्टाफ के साथ समय रेलवे सुरक्षा बल थाना ब्यावर उपस्थित हुआ, जिस पर सुपुर्दगी नामा बनाकर आरोपी व्यक्ति वे 48 शराब की बोतल के साथ सुपुर्द किया गया। उक्त घटना के संबंध में आबकारी विभाग द्वारा उक्त व्यक्ति के खिलाफ अपराध संख्या 40/2023 अंतर्गत धारा राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 में दर्ज कर कार्यवाही शुरू की। चेकिंग टीम में अजमेर की टास्क टीम बल सदस्य सहायक उप निरीक्षक राकेश कुमार, हेड कांस्टेबल सज्जन सिंह, कांस्टेबल अजय कुमार, कांस्टेबल मनोज कुमार तथा अपराध शाखा कांस्टेबल गोपी चंद आदि शामिल थे। आम सूचना व्यावसायिक भूखंडों को भव्य नीलामी से क्रय करने का सुनहरा मौका। नगर परिषद ब्यावर द्वारा समय प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक ट्रांसपोर्ट नगर व्यावसायिक योजना के निम्नलिखित भूखंडों को ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया द्वारा विक्रय किया जाएगा। नाम योजना व आरक्षित दर ट्रांसपोर्ट नगर व्यावसायिक योजना आरक्षित दर 7,242 रुपए प्रति वर्ग मीटर, व्यावसायिक भूखंड संख्या 24 से 28, क्षेत्रफल 4.5 मीटर गुणा 9 मीटर बराबर 40.5 वर्ग मीटर, प्रारंभिक बोली 25,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर, अमानत राशि 30,000 रुपए। अतः जो भी व्यक्ति उक्त नीलामी में भाग लेना चाहते हैं, वो पोर्टल जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उस पर रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन कर ऑनलाइन अमानत की राशि जमा करवा कर ई नीलामी में भाग ले सकते हैं। नीलामी राजस्थान नगर पालिका नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 के अनुसार की जाएगी। ई नीलामी की शर्तें पोर्टल पर जो स्क्रीन पर दिख रहा है उस पोर्टल पर देखी जा सकती है। आयुक्त नगर परिषद ब्यावर।